सो हेलो एवरीवन, आप सारे कैसे? आई होप आप सारे बढ़िया होंगे अपनी अपनी जगह। और आज की व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जा रहे हैं सर्विस कनाडा सिन नंबर लेने, और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी ग्रोसरी करने, क्योंकि सामान थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आपको कॉस्को भी दिखा दूंगा और कि हम ग्रोसरी कैसे करते हैं और ग्रोसरी का क्या है क्या नहीं, वो सारा इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और सर्विस कनाडा में भी जितना मैं शूट कर सकता हूँ मैं वहाँ पे शूट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जितनी दे सकूँ पूरा ट्राई करूँगा। और बस मैं तैयार हो गया हूँ, बैंड तैयार हो रही है, बस हम चलने लगे हैं 5 मिनट में। हाँ तो भाई हम आ गए गाड़ी पे, अब हम जा रहे हैं। चले पहले कहाँ जा रहे हैं हम? सर्विस कनाडा। चलो हम सर्विस कनाडा जा रहे हैं। ये भाई यहाँ पे लाल बत्तियों पर रुकना पड़ जाता है, क्या करें जी। 63 बुग्गी रोड पे उस तो काटते साड़ी भी नहीं है ब्रोंको, जिसके पास जो गाड़ी होती है भाई उसको वही G63 लगती है ना भाई। एटलीस्ट मेहनत की कमाई की तो है ना भाई, और क्या। जब आप यहाँ पे हार्ड वर्क करते हो और कुछ अर्न करते हो, अचीवमेंट करते हो, तो आपको मज़ा आता है यार कि हमने कुछ अच्छा करा। आपको प्राउड मोमेंट होती है, घर वालों को तो चलो होती होती है, पर आपको अंदर से खुद बहुत अच्छा लगता है कि यार हमने अपने पैसों का कुछ किया है, हमने अपने पैसों का करा, पापा से 1 रुपये नहीं मांगे, ये नहीं करा वो नहीं करा, तो मज़ा आता है यार। लाइफ ऐसी ही है, स्ट्रगल बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है, पर और उसका रिजल्ट होता है जब मिलता है आपको कि अपना हार्ड वर्क का, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और सुकून भी आता है। Am I right? Yes. Yo. पावे गरीबी आई हो, देखो जींस फटी हुई है, गरीबी है पर शौक पूरे करना जरूरी है। शौक पूरे करने सबसे ज़्यादा जरूरी है। 1 मिनट का रास्ता है बस। वेदर के तो जितनी तारीफ करो ना यार उतनी कम है, इतना सोना दिखता ना, मजा आ जाता है। भाई हम सर्विस कनाडा पहुंच तो गए थे और वहां पे स्कैन करना था, तो स्कैन करने के बाद आपका क्यू नंबर आ जाएगा आपको कि कितना वेट करना पड़ेगा, पर वहां पे इतना ज्यादा लगा हुआ था कि 2-4 घंटे बाद भी नहीं आना था। और ऑलरेडी यहाँ पे 3 बज चुके हैं और 4 बजे बंद हो जाता है सर्विस कनाडा, तो इसलिए अब हम जा रहे डाउनटाउन की तरफ। वहाँ हमारे को लग रहा है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, रश नहीं होता, यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए अब हम डाउनटाउन वाले सर्विस कनाडा जा रहे हैं। फिर वहाँ जाके देखते हैं कि अगर आज से नंबर मिल सकता है क्या नहीं, अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको क्या लगता है, होपफुली मिल जाएगा? स्कैन वाला पहले ऐसे नहीं होता था कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लिया, आप आ जाओ यहाँ पे लाइन में लगो, और बारी बहुत जल्दी आ जाती थी, और आप अपना फिर नंबर लो और गया। पर हमारा नंबर ही 80 था आज, तो 70 वो लड़के का था जो है ना, जो हमसे आगे खड़ा था उस 80 उसका था, तो आप लगा सकते हो और सोच सकते हो कि अभी उसका 80 नहीं आया, तो तब तक तो बंद ही हो जा रहा था। वो भी लड़का ये कह रहा था हमारे को कि मे बी आज मेरा हो सके या नहीं, मेरा भी नहीं होगा आज, तो कल ही ट्राई करूंगा मैं। तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास गाड़ी है, तो हम एक बार डाउनटाउन हुआ आते पास ही यहाँ से, तो अब हम डाउनटाउन जा रहे हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं सिन नंबर का क्या है मसला। एक हमारा प्लान बन रहा है, वो वाला व्लॉग आपको मिस नहीं करना, वो तो बहुत ही बम्प होने वाला है। बस आप जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, नोटिफिकेशन बेल तो बात, जैसे भी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको जैसे मैं अपलोड करूँगा वो वीडियो, और वो वीडियो बहुत सीक होने वाली है, बहुत मज़ेदार आपको व्यू मिलेंगे और यहाँ का कल्चर थोड़ा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से मैं कवर करूँगा वो वाला। तो वो प्लान अभी हमारा चल रहा है, अब वो देखते हैं कि कब मैं वो वीडियो डालूंगा, पर आज शेयर सब कुछ करते रहो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ, शूट भी करता हूँ, कल्ला शूट करना पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, राइट? यो हाँ, व्यू देखो।
हमने पार्किंग लगाई है भाई, पार्किंग की टिकट लेनी पड़ती है। वाओ, डाउनटाउन में बात तो है यार, कुछ अच्छा डाउनटाउन। वाह भाई, जितना पैसे ऐड करते रहोगे उतना टाइम बढ़ता रहेगा ना। $3 की ले लेते हैं कि नहीं? यप, 4:30 तक का हमने टाइम ले लिया। ये ब्रेड बॉल है भाई, क्या ब्रेड बनाई हुई है इसमें। और अब हम जाने वाले हैं यार, यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट हमने ले ली है, करवाई है बहन ने, अपॉइंटमेंट करवा दी है सैटरडे की। और उसके बाद आज तो भीड़ लगी हुई थी, 1:30 तो वैसे ही बज गए, 4 बजे बंद हो जाता था लाइन, सवाल ही नहीं था आज हमारे को मिल सके क्योंकि लाइन अप ही बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो हम चलने वाले हैं अब यहाँ से, अब हम जाएंगे ग्रोसरी करने। चलो, और लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई यहाँ नशेड़ी नहीं होते। ये देखो, आपको एक नशेड़ी दिखाऊंगा, वो देखो। होते हैं भाई यहाँ पे भी, डाउनटाउन ज्यादा है नशेड़ी, डाउनटाउन में ही दिखेंगे आपको ज्यादा। वैसे जहाँ हम रहते हैं वहां पे तो नहीं है बिल्कुल, है ना? और वो तो सोसाइटी अलग है बिल्कुल। 3 नंबर तो हो नहीं पाया तो हम डाउनटाउन आए हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो डाउनटाउन ही घूम लेते हैं और आपको भी घुमा देते हैं, है ना? तो अभी देखते हैं आगे का क्या प्लान है। अभी आप डाउनटाउन देखो, ये सामने चाइना टाउन है ना, यहाँ पे सारा चाइनीज क्यूजीन मिलता है खाने को। पार्किंग यहाँ की अलग लेनी पड़ेगी क्या? रिडीम हो सकती है बोली जो हमने ली थी वहाँ पे, वो जो ली थी वो यूज करेंगे, देखते हैं होती है कि नहीं होती। क्योंकि यार वहाँ हमने 4:30 बजे की तक की ली हुई थी और $3 लग गए, उसके बाद देखा काम ही नहीं हुआ, फिर हमने अब कहीं और तो यूज करनी है, देखते हैं अब यूज होती है क्या नहीं होती। वियतनामी भाई, वियतनामी क्यूजीन मुझे बहुत टेस्टी लगती है। ये कौन सी रिवर है? एल्बो रिवर। ये है भाई एल्बो रिवर, कोई इसको बो रिवर कहता, कोई एल्बो, बट ये है एल्बो रिवर। वाओ, भाई ये है चाइना टाउन, बस इतना सा ही है जो वहाँ तक एंड तक जा रहा है, बस इतनी यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ पे क्यूजीन मिलती है यहाँ पे, और ये पूरा चाइना टाउन है। कार हमारी वहाँ पे खड़ी है, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है यहीं तक, जो एंड पे वहाँ तक वहीं तक है ना बस। तो हम ये मेन डाउन टाउन में एंटर कर लिया हमने। अच्छा लग रहा है यार, क्या मॉल भी है यहाँ पे, मॉल किसी दिन हम उस पे आएंगे, ये देखो सी ट्रेन पे भी ट्रैवल कराते हूँ। नहीं भाई, हमें गाड़ी की आदत है, हम नहीं कर सकते सी ट्रेन पे। क्यों अच्छा, इतना कोई शौकर नहीं हो, ट्रेन पे भी लेके आऊंगी, इतने शौकर ना बनो, ट्रेन पे भी लेके आऊंगी। डिजाइन कितना अच्छा बनाया हुआ है, शाम को इस पूरी रोड पे बहुत रौनक होती है। तो शाम को हम आएंगे कभी किसी दिन, है ना? आएंगे, रात को दिखाऊंगी, देखो रात को भी। यार ये कितना पुराना बिल्ड लग रहा है ना, ये वाला है ना घर,
ये ऑफिस है यार, अच्छा सा लग रहा है, हैरी पॉटर जैसा लग रहा है ये ना। अभी तक तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है घूमते हुए, तो अभी हम घूमेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद ग्रोसरी करने जाएंगे। तो तुम ले लो अपने साथ, और साथ में टीवी पे ये व्लॉग लगा लो, आराम से देख पाना मजे। 75-100 इंच का टीवी ला लो भाई, व्लॉग देखो मजे ना, नजारे लो। भाई देखो हम आ गए हैं, हम आ गए नंस नूडल्स के पास। इसका भाई ये प्लांट बेस्ड खाना बनाता है, बहुत अच्छा है ये देखो। खाना खाओ और सामने से व्यू लो, कितना बढ़िया, वाओ। यहाँ पे खाओ अपना आराम से, और व्यू के साथ खाने का मज़ा ही अलग हो जाता है। इनका सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैंने आपको वो दिखा दिए थे कि भाई आप ख़रीद भी सकते हो इनसे वीगन, सब कुछ वीगन, आपको चिकन, बीफ, एवरीथिंग, बीफ, पोक, रेप सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो भाई खाना आ गया हमारा, आ रहा है अभी, मेरा तो वेट नहीं हो रहा। टेस्टी टेस्टी खाना, टेस्टी होगा। वो टेस्टी भाई। उप्स। खाओ तगड़ी वगड़ी खाओ, लेग पीस। Dumplings, yeah! भाई टेस्टी तो अब आया है, असला तो अब आया है। शुरू करें भाई, अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले ये निबेड़ लूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है, वरना बहन खा जाएगी। बाय बाय भाई, मजा आ गया यार खाना खा के। मैं कह रहा हूँ इतना टेस्टी खाना, इतना टेस्टी। आप जैसे चेतन, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, अगर नहीं पता आप गूगल करके देखना, वरना आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। चांप होती है ना, वैसी काइंड ऑफ चेतन बनता है, और वो ग्लूटन से भी बनता है, कोई उसको मैदे से भी बनाता है, ये डिपेंड करता है। तो उसको करने के बाद आप बाहर से सॉसे यूज करके और वैसा ही प्रेजेंटेशन करके वैसा ही खाना, वीगन में हाँ ले सकते हो। जैसे आपने बटर चिकन बनाया तो वो उसकी ग्रेवी यूज कर ली, और वीगन जो है उसको हल्के से सोटे करके, पीसीस को सोटे करके उसके अंदर डाल दिया, तो आपको बटर चिकन जैसा ही टेस्ट आएगा, और मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आ सकता है आपको। क्योंकि हम किसी को मार के खा रहे हैं, वो चीज गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। वो हम नहीं सपोर्ट
वो हम सपोर्ट करते नहीं बिल्कुल, क्योंकि रब ने अगर हमारे अंदर सांस दी है, हमारे में जान दी है और हम ये दो आंखों से देख पा रहे हैं इतनी खूबसूरत दुनिया, तो ये सब जानवरों को भी दिया हुआ है। अगर हम उनको मार के खाएंगे तो हमारे में फिर क्या फर्क रह जाएगा, हमारे में और शैतानों में क्या ही फर्क रह जाएगा। तो एक अच्छे लोग बनो, पहले के टाइम पे नहीं थी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, नहीं थी इतना ज़्यादा वैरायटी, नहीं थी इतने चॉइसेस, नहीं थे तो जंगल में रहना पड़ता था भाई, करते होंगे यार। हमारे रिलीजन में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि इतने इतने भूखा पेट लड़ने के बाद भी, घोड़ों पे सोने के बाद भी, लक्कड़ की टानियां खाने के बाद भी शिकार करके अगर खाना पड़ा तो खाना पड़ा। पर अब ये वाला एरा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, एम आई राइट? अब ऐसा है नहीं, हमारे पास बहुत वैरायटी है भाई, वाइड रेंज चॉइस है हमारे पास, इतनी है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, प्लांट बेस्ड आप कुछ भी खाओ यार। और फिर वो जो गंदे कमेंट होते ना कि भाई पौधों में भी जान होती है, ये होती, ये गंदे कमेंट प्लीज मेरी ब्लॉग के नीचे ना करना, क्योंकि जो रब ने बनाया है, जो खाने के लिए रब ने बनाया वो चीज खाओ, जानवर रब ने कोई नहीं बनाया खाने के लिए। वो ये है कि वो अपनी जून काटने आते, जितनी उनकी होती है जो गलती है वो हम कर रहे हैं आज, कल को हमारे को भी वही जूनी मिलनी है, ठीक है, कल को वो हमें काट के खाएंगे, वो हमें काट के खाएंगे, सिंपल बात है, ये चक्कर ऐसे चलता रहेगा। तो अच्छा खाना खाओ जिसमें आपको तसल्ली भी हो, टेस्टी भी हो और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाए काम करने के लिए, दैट्स इट। मेरे लिए फूड वही है जो आप मेरी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, मेरी जुबान को जो टेस्टी लग रहा है, बस वो मेरे लिए फूड है। पर ये नहीं है कि मैं किसी को मार के खाऊंगा सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, वो पागलपन है, राइट? तो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो आप देखो कॉस्को जा रहे हैं ना, क्या वॉलमार्ट, कॉस्को जा रहे हैं हम, यहाँ का कैलगरी का सबसे बड़ा वाला कैलगरी है ना, सबसे बड़ा वाला कॉस्को, सॉरी कैलगरी का सबसे बड़ा वाला कॉस्को, कोई चक्कर नहीं, आपके भाई ने बहुत ज्यादा खा लिया यार, मजा आ गया, मजा आ गया, मेरा पेट बाहर आ रहा है, मैं बता नहीं सकता, मुझे बेल्ट अभी थोड़ी सी लूज करनी पड़ेगी, बड़ा टेस्टी यार, मजा आ गया, तसल्ली कहते हैं तसल्ली, इनकी डंपलिंग्स यार, सिरा मैं वही कह रहा हूँ, आप कभी भी भाई कैलगरी आओ तो नंस नूडल्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिकमेंडेड है, खा के देखना मजा आ जाएगा, हाईली रिकमेंडेड, हाईली है भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें, तसल्ली हो जाएगी। चलो हम चलते हैं, ठीक है, ज्यादा तारीफ के पुल बांध दिए, मेरे को कोई प्रमोशन के पैसे नहीं दे रहे तुम्हें लग रहा हूँ मेरा खाना फ्री कर दिया इन्होंने, भाई कुछ पैसे दिए मैंने, $80 हाँ, पर टेस्टी बहुत था यार, मजा आ गया, मैं कह रहा हूँ कि वर्थ है, वर्थ है $80, 100 भी मांगता दे देते, पर बट टेस्टी बहुत था खाना। बेसिकली कॉस्को में एंट्री उनको मिलती है जिनके भाई कार्ड्स होते हैं, मेंबरशिप कार्ड होते हैं वो, हाँ स्टार मेंबर, फिर होता है गोल्ड, फिर गोल्ड सबसे टॉप पे आता है एग्जीक्यूटिव मेंबर, वो हाँ, ब्लैक कार्ड होता है, ब्लैक कार्ड हमारे पास पड़ा हुआ है क्योंकि हम थोड़े से गरीब हैं। कितने तक की पड़ती है, कुछ आइडिया है इस? क्या ये तीनों की कितनी कितनी कॉस्ट आती है? बेसिक की आई गेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम $60, $60 से बेसिक हो जाता है, फिर उससे ऊपर जाता है जो गोल्ड वाला है, वो जाता है चलो चले, ये कार्ड होता है, ये कार्ड होना जरूरी, देखो यार इसको कितना,
कैसे मिलते हैं? पिकल रह गए। अच्छा, अचारी अंडे। अचारी अंडे, वाह, अंडियां तो भी चार बनाया है थे। मेयोनीज बहुत ज़्यादा अच्छी है ये वाली। यहाँ पे सब कुछ देखो यार, कितना बड़ा बड़ा सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ऑलिव ऑयल से लेके आप जो मर्जी बोलो सब मिलेगा आपको यहाँ पे। अच्छा यार, अभी तक तो हमने ब्लैक पेपर लिए, चॉकलेट्स लिए, ये बहुत अच्छी है भाई। इसके तरह लाइम का टेस्ट है, ये सोडा है, और ये क्या आइस टी। ले लो भाई, आपको 15 लीटर पानी क्या नहीं, ले लो $4 में। चीज की कितनी वैरायटी है यार यहाँ पे, है ना। ये इनकी बेकरी है और ये इनका पूरा, ये यहीं पे बेकरी करते हैं, इन हाउस बेकरी है इनकी अपनी। तो ये अपना सारा इनका फ्रेश होता है, केक वेक ये सब कुछ बनाते हैं। और ये बेकरी से आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको मन करे। इनकी ब्रेड सारी फ्रेश होती है, सारी। ठंड लगाएगा क्या वीडियो के चक्कर में? कम से कम फ्यूल तो भर के दो। फ्यूल भर लेंगे मैडम, आप बताओ कितना लगेगी $100। अब हमारी दीदी हमारे को लेके आई है वॉलमार्ट। हवा बहुत तेज चल रही है भाई। हाँ ये ले लो फिर सैलेड खाने के लिए। हाँ कैबेज है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले लो भाई। हम आ गए वॉलमार्ट, अब वॉलमार्ट में शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे मसाले मिल जाएंगे, एवरेस्ट के जो भी सब कुछ मसाले, देसी घी, ये देखो देसी घी भी आपको मिल जाएगा सब कुछ। अचार मिल जाएगा मदर्स का, अच्छा रहता है, जो कि चिंग्स की चटनी। ये रही मेरे लिए, आप रख लो ये चिंग्स की चटनी। ये कौन से राइस है? नॉन स्टिकी राइस। नहीं स्टिकी राइस नहीं खाने, ये ब्लैक राइस और वो है। मिक्स है, आई नो। पता क्या आपको? हमें सब पता है। हो गई भाई शॉपिंग, शॉपिंग डन हो गई है। फिर ना पार्किंग में ही आ गए हम, फिर यहीं से लिफ्ट पे चले जाएंगे ना। जो भी होगा आराम से सामान भरो, उठा मैं लूँगा। आओ, चीटी मिट्टी लगी हुई देखी आपने कभी? यहाँ पे भाई मिल जाते हैं गाड़ियाँ, मिट्टी लगी हुई बधेरी।
एक से एक गाड़ी आपको दिख जाएगी मिट्टी लगी हुई।